जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवतियों और 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मेरठ का रेड लाइट एरिया भले ही बंद हो गया है, लेकिन मेरठ शहर की पॉश कॉलोनियों में व्यापार का धंधा जोरों शोरों पर चल रहा है। गंगानगरी कॉलोनी में एक किराए के मकान के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसकी सूचना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को मिली और सीयू सदर देहात की टीम ने वहां पर छापेमारी की। इस छापेमारी में वहां 3 युवती सहित 2 पुरुष बरामद कर लिए गए। इन सभी को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भिजवा दिया गया। दरअसल मामला मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के वो पॉकेट का है, जहां पर आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट की संचालिका समेत 3 महिलाएं और 2 पुरुष मौके से पकड़े गए, जिस और मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। वहां पुलिस अधिकारियों की माने तो पिछले काफी समय से ये लोग व्यापार के धंधे में लिप्त है। खास बात यह है कि जगह जगह बदल कर ये लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं और अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप और दूसरी सोशल साइटों के माध्यम से जिस्म फरोशी करवाते हैं। इन पर मुकदमा दर्ज, पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है, जो महिला संचालिका है वह पहले भी ऐसे मामले में थाना मेडिकल क्षेत्र से जेल जा चुकी है। मेरठ मित्र चल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवेद खान की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि थाना में अनैतिक व्यापार चल रहा है और और सीओ सदर देहा साहब सर को भेज दी गई, तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। एकदम नॉर्मल केस के लिए इनको बोल दिया। अच्छा सर, कितनी लड़कियां पकड़ी गई हैं और कितने जेंट्स पकड़े गए हैं? 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं, 2 पुरुष पकड़े गए हैं। सर, इनको संचालिका भी पकड़ी गई है? हाँ, ये मेरा संचालिका के रूप में उसी ने मकान को 4,000 रुपये किराए पर ले रखा था। पहले भी जेल जा चुकी है मनाने के लिए। अच्छा सर, किस तरीके से ये इस धंधे को करते थे? अभी से अभी पूछताछ चल रही है, डिटेल जानकारी दी जा रही है।